Hey guys, welcome back to my channel and आज हम बात करेंगे AFC Asian Cup Qualifiers जिसमें आज इंडिया वर्सेस कंबोडिया का मैच है रात को 8:30 बजे। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या ग्रुप्स हैं, कैसे इंडिया टीम क्वालिफाई होगी एंड किन किन से उनका मुकाबला करना पड़ेगा टू रीच द AFC Asian Cup 2023 इन चाइना। सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाओ यार सब्सक्राइब करो चैनल को एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इट गिव्स मोटिवेशन। तो आज रात को इंडिया वर्सेस कंबोडिया है। AFC एशियन कप क्वालिफायर्स की मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या क्या ग्रुप्स हैं। देयर आर 6 ग्रुप्स विच कंटेन्स 4 टीम्स इन ईच ग्रुप। जो टॉप पे टीम फिनिश करेगी हर ग्रुप में वो सीधा एडवांस हो जाएगी, पहुंच जाएगी वो AFC एशियन कप में। एंड जो 5 बेस्ट रनर अप टीम्स होंगी अपने अपने ग्रुप्स में, जो बेस्ट 5 होंगी वो भी पहुंच जाएंगी AFC एशियन कप्स में, एशियन कप में। तो डायरेक्टली 11 टीम्स पहुंचेंगी AFC एशियन कप में। एंड अगर हम इंडिया के ग्रुप की बात करें तो इंडिया के ग्रुप में कंबोडिया, हांगकॉन्ग एंड अफगानिस्तान जैसी टीम्स हैं जो कि इंडिया से लोअर रैंक्ड टीम्स हैं। इंडिया इन सबसे ज़्यादा रैंक वाली टीम है एंड जो कि काफ़ी आसानी से हमें लग रहा है कि इंडिया इन तीनों ही टीम्स को हरा के टॉप ऑफ द ग्रुप फिनिश करके पहुंच जाएगी AFC एशियन कप में। बट जब भी इंडिया का मैच होता है हमें पता है फिक्स्चर्स जो होते हैं आसान फिक्स्चर्स भी हमें टफ लगने लग जाते हैं, जिस हिसाब से ईगोस टीम मैच टीम खिलाते हैं अपनी एंड जो हमारा डिस्प्ले होता है फील्ड पे। हम चाहे जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो ऑन पेपर, चाहे हमारी रैंकिंग्स कितनी भी बढ़िया हो हांगकॉन्ग से, कंबोडिया से, अफगानिस्तान से, बट हम कभी भी उनको डीरेल नहीं करते एकदम से, हम उनको फ्लैटर नहीं कर देते अपनी स्कोर लाइन से। हम टॉप सीडर भी गेम खेलते हैं एंड एट द लास्ट कई बार हम 1-0, 2-1 ऐसे विन्स जस्ट निकाल लेते हैं। बट अगेंस्ट कंबोडिया वी कैन से दैट के इंडिया की टीम काफ़ी फेवरेट होगी इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि कंबोडिया 171th रैंक पे है टीम। एंड अगर हम पिछले 5 फिक्स्चर्स की बात करें जब भी इंडिया और कंबोडिया खेली है तो 5 के 5 बारी लास्ट इंडिया ही जीती है अगेंस्ट कंबोडिया। तो काफ़ी अच्छा फिक्स्चर होगा ये देखने वाला कंबोडिया का। कंबोडिया के बाद हमारा अगला फिक्स्चर होगा हांगकॉन्ग एंड अफगानिस्तान के साथ। हांगकॉन्ग एंड अफगानिस्तान जिनकी टीम्स काफ़ी अच्छी हैं, अफगानिस्तान के कुछ प्लेयर्स जो हैं फुटबॉल के वो यूरोपियन लीग्स में खेलते हैं, जो लोअर रैंक्ड टीम्स लीग्स होती हैं सेकेंड या थर्ड टीयर में, तो उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। अगर हम अफगानिस्तान के प्लेयर्स की बात करें, वहीं पर हांगकॉन्ग के जो प्लेयर्स हैं वो भी अक्रॉस द यूरोप छोटी छोटी जो लीग्स होती हैं वहाँ पे खेलते हैं, तो जिससे कि काफ़ी अच्छी एक टीम हांगकॉन्ग हमारे को फाइट दे सकती है अगेंस्ट इंडिया। बट इंडिया के फैंस के लिए बहुत अच्छी बात है ये कि इंडिया अपने सारे फिक्स्चर्स इंडिया में ही खेलेगी इन कोलकाताज सॉल्ट लेक स्टेडियम। इंडिया के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मैचेस होंगे सारे इंडिया के एंड इंडिया का जो क्राउड है वो होगा वहाँ पे उपस्थित, जिस वजह से इंडिया को जो एक सपोर्ट मिलता है इंडियन फैंस से वो भी मिलेगा इस बारी। एंड हम कह सकते हैं कि इंडिया फिर सपोर्ट के साथ काफ़ी अच्छा खेलेगी। बट अगर हम लाइनअप्स की बात करें तो इंडिया की लाइनअप की अगर हम बात करें, गुरप्रीत सिंह संधू इन द गोल वो हमारे ऑब्वियस चॉइस आते हैं, संदेश झिंगन, प्रीतम कोटाल, सुभाशीष बोस एंड आकाश मिश्रा बैकलाइन हमारी होगी। बट हमारे मसले आते हैं मिडफील्ड में कि मिडफील्ड में हम किसको खिलाएं, तो मैं चाहता हूं ग्लेन मार्टिन्स हमारे डिफेंसिव मिडफील्डर हों विद अब्दुल सहाल समद, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वो क्रिएटिविटी लाते हैं टीम के अंदर। वैसे तो ब्रेंडन फर्नांडिस को भी हम ला सकते हैं, बट ब्रेंडन फर्नांडिस एंड सहाल में से कोई भी एक खिला लो, दोनों ही बहुत ही टॉप क्लास मिडफील्डर्स हैं। बट आगे हमें चाहिए हैं सुनील छेत्री सर, हमारे कैप्टन, लीडर लेजेंड, उनसे बढ़िया तो कोई गोल स्कोरर है ही नहीं इंडिया में, ना ही कभी होगा। तो अप फ्रंट तो आज वही खेलेंगे सुनील छेत्री, उनके साथ लिस्टन कोलासो खेलेंगे एक विंग पे और मनवीर सिंह एक विंग पे खेलेंगे। 4-4-2 की फॉर्मेशन के साथ क्या इंडिया जाएगी या 4-3-3,
क्योंकि 4-3-3 में अगर जाएंगे तो लिस्टन कोलासो विंग पे आ जाएंगे, बट फिर मनवीर सिंह वाले विंग पे देखना पड़ेगा कि कौन खेलेगा, मनवीर सिंह खेलेंगे या अनिरुद्ध थापा खेलेंगे, तो देखने वाली बात होगी। वो काफ़ी अच्छा फिक्स्चर है देखने को ऑन पेपर, एंड काफ़ी दिनों बाद आज इंडिया वर्सेस इंडिया का कोई भी हमें इंटरनेशनल मैच जो कि एक कॉम्पिटिटिव मैच होगा वो देखने को मिलेगा हमें। यस, इंडिया की टीम जॉर्डन के अगेंस्ट हार गई, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जॉर्डन की टीम बहुत बढ़िया खेलती है, इंडिया से काफ़ी अच्छी रैंकिंग है उनके, कुछ 78-79 ऐसे रैंकिंग है उनकी, एंड इंडिया स्टैंड्स ऑन 106, तो काफ़ी फ़र्क है रैंकिंग्स में भी, एंड वही हमें उस दिन भी पता चला था लास्ट फ्रेंडली में अगेंस्ट जॉर्डन। बट इट्स अ फ्रेश स्टार्ट एंड अवर एम इज़ टू रीच द एशियन कप इन चाइना 2023। अगर इंडिया अपने तीनों मैच जीत जाती है तो वो ग्रुप विनर्स बन के सीधा सीधा क्वालिफाई हो जाएंगी, बट यस अगर इंडिया सेकंड में फिनिश कर जाती है इस ग्रुप में तो भी पहुंच जाएगी काफ़ी आसानी से, बट ये देखना पड़ेगा उनको कि उनका जो जीडी है वो काफ़ी अच्छा हो बाकी टीम से। तो यही थी आज की वीडियो। अगर मेरी प्रिडिक्शन अगर एक मिनट के लिए पूछ लो तो मेरी प्रिडिक्शन है 2-0 इंडिया। आई डोंट थिंक कि कंबोडिया कोई भी प्रेशर डाल पाएगी इंडिया पे। I am seeing it is a comfortable win for India. Let's see and hope for the best. Jai Bharat, Jai Hindustan. Yahi thi aaj ki video. Till then, like, share and subscribe. Peace out.